Hey, what is up, दोस्तों? यहाँ पर हमारे पास है एक पेन और एक पेंसिल और यहाँ पर है हमारा ड्राइंग बुक और हम इसके मदद से अभी ड्रॉ करने वाले हैं पोकेमॉन का एक विलन कैरेक्टर म्याउथ को। तो फिर देखते हैं स्टेप बाय स्टेप कैसे हम म्याउथ को काफ़ी अच्छे तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं। तो फिर आइए स्टार्ट करते हैं म्याउथ को ड्रॉ करना। और अभी हाथों के लिए सेम इसी साइड हाथ के लिए ये वाला हाथ जो है थोड़ा ऊपर की तरफ चला गया है, इतना ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ तक ही ठीक रहेगा। दोनों हाथों को ठीक तरीके से मेजर करना है। यहाँ से हम देख सकते हैं कि ये हाथ यहाँ पर है, फेस स्ट्रक्चर के लिए यहाँ से एक पैरों की तरफ देखते हैं, एक बेसिक सा स्ट्रक्चर है ये। लगभग सा एक आउटलुक तैयार है। और अभी म्याउथ क्योंकि बिल्ली है तो फिर बिल्ली का जो कान रहता है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसके यहाँ पर देखने की चिप जैसा कुछ लगा रहता है। इसका जो फेस है वो पूरे राउंड तरीके से हमें ले लेना है, लगभग राउंड शेप जैसा ही है। और अभी यहाँ से दो कांटे और यहाँ से नीचे की तरफ से दो और कांटे और इस साइड से भी सेम ही रहेगा। जो ये वाला हिस्सा है ये जहाँ पे जाके बैठता है वहाँ से ही, कुछ भी अगर गलती होता है घबराने की बात नहीं है, वापस से इसे करेक्ट किया जा सकता है क्योंकि अभी आउटलाइन देना बाकी है। और अभी म्याउथ की हम आँखें ड्रॉ करने वाले हैं। उसकी आँखें बिल्लियों जैसी काफ़ी बड़ी बड़ी सी है म्याउथ की आँखें। और अभी फेस स्ट्रक्चर भी हमें ड्रॉ करना है। अभी एक लगभग आउटलुक सा देना है इसलिए यहाँ से हाथ और नीचे वाला जो बॉडी है वो भी इस पैर का साइज थोड़ा ज़्यादा लग रहा है इसलिए इसे छोटा कर देंगे फिर से। अगर आपको लग रहा है कोई 19-20 का फर्क है, सारा कुछ आखिर में क्लियर कर सकते हैं हम। अभी लगभग हमारा जो एक आउटलुक है वो तैयार है। अभी बस इसे पेन के मदद से हम पूरा ओवर ड्रॉ कर लेंगे। पहले हम आंखों को थोड़ा और डिटेलिंग करते हैं। बस इसे पोछ देना है अभी।
अभी जो हमारे म्याउस है उसका आउटलुक पूरा का पूरा तैयार है। अभी बस एक पेंट में से हम ओवर शेडो करेंगे। तो हमारा जो ड्राइंग है वो लगभग तैयार है। अभी एक पेंसिल की मदद से थोड़ा शेड कर देंगे थोड़ा और अट्रैक्टिव लगने के लिए। Ah!